इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी घमासान के बीच 2G घोटाले पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सतर्कता आयोग ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। चार्जशीट में ए राजा के अलावा कनी मोजी और शाहिद बलवा का भी नाम है। कुल मिलाकर 19 आरोपी बनाए गए हैं, इनमें 10 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। चुनाव के दौरान ये खबर केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका बन सकती है। तुम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी दाखिल कर दी है। चुनावी घमासान के बीच 2G मामले पर, 2G घोटाले पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, सबसे बड़ा सवाल इस बीच यही उठ रहा है कि कल ही तमिलनाडु में मतदान हुआ है और आज ये खबर सामने आई है, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल उठ सकता है। जी बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन ये ऐसे केसेस जो ऑनगोइंग केसेस हैं, अब तक इनमें जांच चल रही थी और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इट इज नॉट अ चार्जशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, इट इज अ कंप्लेंट विच इज फाइल्ड अंडर PMLA एक्ट। देर इज नो प्रोविजन ऑफ फाइलिंग अ चार्जशीट, देर इज अ प्रोविजन फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट। So the complaint has been filed with by one joint director, Mr. Himanshu Lal. So he is not a first informant, he is a complainant as per the act. So the this complaint has been filed under for the offence under Section 3, Prevention of Money Laundering Act, which is punishable up to 7 years. And they have made 19 people as an accused. Most of them were companies. I could not exactly see that what are the names of the people, right? But I think most of the people who are accused in 2G case were there. And the court, the ED requested the court to take cognizance, but the judge refused. He said that because you have brought lot of documents, I want the time to consider the same. So he has given the time for the consideration of the same and further arguments on cognizance on 30th April at 2:30 PM. Sir, this first action, what we have seen See, this is already being tried in a supplementary charge sheet. So accordingly, we know that we are innocent and the CBI had no case. So let me see what case ED has tried to make. When CBI could not make a case out of it and none of the witnesses supported the case of CBI in the witness box. So I do not know what ED is going to do, but I'll be able to comment on it and only after I see what ED has done. इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मिस्टर जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु लाल ने एक कंप्लेंट फाइल की है। ये चार्जशीट नहीं होती है, PMLA एक्ट में कंप्लेंट होती है। ये सेक्शन 3 के ऑफेंस के लिए है जिसमें मैक्सिमम 7 साल तक की सजा है। उसके लिए इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है 19 एक्यूज पर्सन के खिलाफ। उनमें जो मोस्ट ऑफ दी एक्यूज हैं वो कंपनीज हैं और मैं पूरा उनका नाम नहीं देख पाया, मगर ईडी की रिक्वेस्ट पर फिर भी इन्होंने जज साहब ने कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं इसको 30 अप्रैल को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ही देखूंगा और इस पर 30 अप्रैल 2:30 की डेट लगा दी। थैंक यू।